हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केएनआर गुरु में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में, क्योंकि आए दिन जो है मुझसे कई बार क्रेडिट स्कोर के बारे में कुछ सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीन ऐसे सवाल को पिक किया है जो कि आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है अगर आप क्रेडिट स्कोर के बारे में जानना चाहते हैं। तो कंप्लीट डिटेल वीडियो में शेयर करूंगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल और नॉलेजफुल वीडियो बनाने के लिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे अपने तीसरे नंबर के क्वेश्चन से कि यदि आपको कोई लोन या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो कितना आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए जिससे आपको इजीली अप्रूवल मिल जाए। तो यहाँ पर मैं बैंकों की बात करूँ तो बैंकों का मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसमें आपको 750 से लेकर 800 का अगर आपका क्रेडिट स्कोर होता है तो आपको इजीली अप्रूव मिल जाएगा, चाहे आप लोन अप्लाई करो या फिर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो। यदि आपका क्रेडिट स्कोर 750 से कम भी होता है तो फिर भी आपको अप्रूवल मिलता है, लेकिन कई सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कई सारे आपसे सैलरी स्लिप, आईटीआर वगैरह, इस तरह के कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, फिर जाके हो सकता है चांसेस हैं कि आपको अप्रूवल मिल जाए। लेकिन अगर आपको 100% श्योरली अगर लोन चाहिए या फिर क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपका 750 से 800 के बीच में अगर क्रेडिट स्कोर होता है तो इजीली मिल जाता है। ये हो गया पहले सवाल का आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि ये है कि यदि हम डेली, वीकली या मंथली अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं तो क्या हमारा क्रेडिट स्कोर डिक्रीज होता है, कम होता है? तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जी हाँ, लेकिन यहाँ पर दो चीजें मैटर करती है कि आप सॉफ्टवेयर से क्रेडिट स्कोर चेक कर रहे हो या हार्डवेयर से। सॉफ्टवेयर में कुछ चीजें आती हैं और कुछ हार्डवेयर में आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर ये होता है कि यदि आप किसी एप्लीकेशन, वेबसाइट से अपने क्रेडिट स्कोर चेक करते हो, लाइक अमेजोन, फोनपे, बैंक बाजार, इस तरह की और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं जहां से आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो। तो यदि आप इस तरह के एप्लीकेशन या वेबसाइट का यूज करके अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका क्रेडिट स्कोर डिक्रीज नहीं होगा, कम नहीं होगा, आप जितनी बार चाहो उतनी बार चेक कर सकते हो। तो ये जो तरीका है अपने क्रेडिट स्कोर को चेक करने का, सॉफ्ट तरीका है। अब हम बात करते हैं हार्ड तरीके के बारे में। तो जैसे कि यदि आप कोई भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो या फिर किसी लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पर जो बैंकिंग पॉइंट होता है या फिर जो बैंक होता है आपका जो क्रेडिट स्कोर चेक करता है वो हार्डली चेक करता है, क्योंकि आपको जो लोन मिलने वाला या फिर जो क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है वो आपके क्रेडिट स्कोर के बेस पे ही मिलने वाला है, क्योंकि बैंकों के पास आपका कोई ज्यादा डाटा नहीं होता है, लेकिन क्रेडिट स्कोर हैंडल के पास में आपका कंप्लीट डाटा होता है कि आपने अभी तक कितने लोन्स वगैरह ले रखे हैं, कितने क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं, कौन कौन से बैंक से ले रखे हैं, ये कंप्लीट हिस्ट्री उनके पास होती है। तो इसीलिए वो जो चेक करते हैं हार्ड चेकिंग करते हैं, जिस कारण से आपके क्रेडिट स्कोर पर इफेक्ट पड़ता है। और बात करते हैं यदि आप इस तरह से चेक करवाते हो तो कितना कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम मिनिमम बात करें तो 5-10 पॉइंट्स जो है कम होते हैं यदि आप एक बार में हार्ड चेकिंग करवाते हो। तो ये दो फैक्ट हैं जिसके थ्रू आप अगर क्रेडिट स्कोर चेक करवाते हो, तो मैंने बता दिया है यदि आप सॉफ्ट चेकिंग करवाते हो तो आपको किस तरह के डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हार्ड चेकिंग होती है तो आपका क्रेडिट स्कोर कम होता है। एक तरह से और क्रेडिट स्कोर चेक होता है कि आप पेड करके भी क्रेडिट स्कोर चेक करवा सकते हो। वो कुछ बैंकिंग पॉइंट्स होती है जहां पर आपको पेड क्रेडिट स्कोर चेक करने का ऑप्शन होता है, तो यदि आप उनके थ्रू भी क्रेडिट स्कोर चेक करवाते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर डिक्रीज होता है। सो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस वे से चेक करने से आपका क्रेडिट स्कोर डिक्रीज होता है और किस वे से चेक करने से आपका क्रेडिट स्कोर डिक्रीज नहीं होता। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने पहले नंबर के क्वेश्चन की ओर कि यदि आपका क्रेडिट स्कोर पहले से ही जनरेट है तो आप उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, अगर आपका क्रेडिट स्कोर लो हो चुका है, कम हो चुका है तो, या फिर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आप उसको मेंटेन कैसे रख सकते हो। तो इसके लिए एक ही चीज मैटर करता है कि आपके जितनी भी ड्यू अमाउंट्स हैं उसको आप क्लियर कीजिए। इट मीन्स अगर आपका लोन है, कोई पेंडिंग लोन चल रहा है, या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं तो उसकी टाइम टू टाइम रीपेमेंट कीजिए। आपने अगर कोई लोन ले रखा है तो उसकी ईएमआई जिस डेट को जाती है सेम डेट को जानी चाहिए। अगर आप डिले करते हो या फिर हो सकता है से आप एक दिन बाद पे करते हो तो इससे भी आपके क्रेडिट स्कोर पर इफेक्ट पड़ता है। यहीं पर हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हो तो आप क्रेडिट कार्ड की फुल अमाउंट पे करने की कोशिश कीजिए। कई बार क्या होता है कि आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हैं, इससे क्या होता है पेनल्टी से तो बच जाते हो लेकिन आपको इंटरेस्ट लगता है, साथ ही आपका क्रेडिट स्कोर भी डिक्रीज होता है। तो यदि आप क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हो तो उसकी फुल अमाउंट पे कीजिए, इससे आपका क्रेडिट स्कोर जो है मेंटेन रहेगा, क्योंकि आप टाइम टू टाइम रीपेमेंट कर रहे हो किसी भी लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का, तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा, आपका क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा बना रहेगा। यहीं पर यदि आप किसी भी लोन का रीपेमेंट जो डिले कर देते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड की रीपेमेंट में आप लेट कर देते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा।
और उसको इम्प्रूव होने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। सो फ्रेंड्स, ये तीन ऐसे क्वेश्चन है जो कि मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं, मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो जो है काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी गर्मी में मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हो मुझे पसीना से पूरा शरीर भर गया है, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी फैन वगैरह नहीं चला सकता हूँ, क्योंकि फैन चलाऊंगा तो काफी ज्यादा नॉइज वगैरह आने लग जाएगा, तो वीडियो की क्वालिटी काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो इसलिए मैं गर्मी में बैठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइक करना तो बनता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।